हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज़ से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कल सामने आए मोहाली यूनिवर्सिटी वीडियो लीक केस की। मोहाली की नामी निजी यूनिवर्सिटी में शनिवार देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हॉस्टल में रह रही एक छात्रा ने अपने अन्य छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर शिमला में बैठे अपने दोस्त के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करा दिए। जैसे ही छात्राओं को ये बात पता चली तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। वो उनके कपड़े बदलने या नहाने के समय के वीडियोस बनाती थी जिसके बाद अपने दोस्त को वो भेजती थी। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक छात्रा को दिल का दौरा भी पड़ गया जबकि कुछ की तबीयत भी बिगड़ गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मोर्चा संभाला। आरोपी छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक टीम शिमला भी तुरंत भेजी गई थी जिसने आरोपी लड़के को भी दबोच लिया। हालांकि SSP विवेकशील सोनी ने पूरे मामले का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़की ने केवल अपने ही वीडियोज भेजे थे, किसी और लड़की के नहीं भेजे। वैसे इसी बीच दो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहे हैं जिसमें एक वीडियो है जिसमें लड़की वार्डन से डांट खा रही है, तो वहीं दूसरा वीडियो वो है जिसमें यही लड़की उस लड़के की फ़ोटो दिखा रही है जिसके कहने पर उसने ये सब काम किया था। लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है। न सिर्फ लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से उठा है स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि पुलिस इसको ब्लैकमेलिंग के तौर पर भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के ने इस लड़की को ब्लैकमेल किया हो जिस वजह से उसने ये काम किया हो। खैर, फिलहाल पल पल की अपडेट जनहित आप तक पहुँचाता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपको देते हैं एक अच्छी खबर। अब चलती हुई ट्रेन में यात्रियों को वेटिंग या REC टिकट को कंफर्म कराने के लिए TT के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल रेलवे के नए हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए पिछले 4 महीनों में हर रोज़ औसतन लगभग 7,000 वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट प्राप्त करने की सुविधा मिली है और जल्द से जल्द ये पूरे उसमें लागू हो जाएगा और इसीलिए इस सिस्टम से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आपको TT के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे यानी अब आपका सफ़र और आसान हो जाएगा। वैसे मौसम की बात करें तो उसके तेवर बहुत ज़्यादा बदले हुए हैं। जहाँ यहाँ कई ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है, वहीं दुनिया के कई देश बाढ़ से जूझ रहे हैं और अब भूकंप ने भी दहला दिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया के 6 देश भूकंप से कांप उठे हैं। भारत के कुछ राज्यों में भी ये झटके महसूस हुए थे लेकिन ताइवान जापान के मुकाबले ही काफ़ी कमज़ोर रहे। ताइवान जापान चीन में हालत बेहद ख़राब है। ताइवान में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ कई इमारतें ज़मींदोज हो गई, सड़कों के बीच दरारें आ गईं, काफ़ी सारे पुल टूट गए। इसके कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। ताइवान के अलावा जापान और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तीनों देश में करीब 50 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। ताइवान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप के चलते ताइवान जापान और चीन में भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल अलर्ट यहाँ पर भी है, इसीलिए आपको सावधान रहना ज़रूरी है। और बस अर्थक्वेक से ही नहीं बल्कि आपको डेंगू से भी सावधान रहना है। जी हाँ, डेंगू चिकनगुनिया जैसे संक्रमण के कारण हर साल लाखों लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ये हर साल हजारों मौत का कारण भी बनती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर से देश के कई राज्यों में डेंगू के खबरें बढ़ने लगी हैं। दिल्ली बेंगलुरु से लेकर पश्चिम बंगाल में अब तक हजारों लोग डेंगू से परेशान हैं, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो शुक्रवार को डेंगू के 500 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू के बुखार से लगभग 584 मरीज पीड़ित हैं। सरकार के रिकॉर्ड्स में 31 अगस्त तक डेंगू के कम 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू बुखार एडीस मच्छरों के काटने से होता है। ये मच्छर ज़्यादातर दिन के समय काटते हैं और संक्रमित मच्छर के काटने से लक्षण नज़र आने यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड में 5 से 7 दिन का समय लगता है। जिन लोगों में डेंगू संक्रमण होता है उनको 105 डिग्री तक बुखार आ सकता है और कई और भी तरह की समस्याएँ होती हैं जिसको लेकर के सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आपको भी या आपके किसी करीबों को ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और इलाज करवाइए। और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।